आज है हैप्पी होली, कल छोटी होली थी, आज होली है। बट हमारे यहाँ इस साल सेलिब्रेट नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 1 ईयर तक लाइक हम कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते हैं। आई गेस आसपास सबको देख सकती हूँ, सब होली खेल रहे हैं बट हम नहीं खेल सकते हैं। मे बी आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। मेरा और किशन का लड़ाई हो चुका है तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग खेल नहीं सकते हैं। मम्मी के साथ पता नहीं मैं कितना खेलूंगी, मम्मी तो ज्यादा कलर्स भी नहीं लगवाती है। बच्चों के साथ खेलने मजा आता है, वो मम्मी पापा के साथ थोड़ी ना खेलने मजा आता है। मैं इनको डेली डराती हूँ, डेली डर जाती है। होली होली सेलिब्रेट करेंगे मम्मी, बनना नहीं आप खरीद कर लाएंगे। बस वो पकवान नहीं बनता है और सब होता है। देखो ये क्या, हैप्पी होली, हैप्पी होली, नहीं हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। किशन जैसे उठेगा उसके ऊपर एक बाल्टी में पानी डाल के पूरा रंग डाल के ऊपर डाल दो, पटकने लगे गुस्सा हो जाएगा ना। उसको बहुत गुस्सा आता है। कॉलोनी के कुछ अंकल आए थे पापा को कलर्स लगाने के लिए, पापा पूरे बंदर लग रहे हैं। होली का रंग लग गया है सोफे पे, लोगों ने निकाल के रख दिया है ताकि कोई गेस्ट आए तो यहाँ से बैठे और खा ले। आज हम लोग पियेंगे होली वाली चाय। मम्मी इसमें अभी डाल दो, डाल देंगे कलर, हाँ डाल देंगे, ग्रीन कलर लाओ, ग्रीन चाय। पता चला पीने के बाद हॉस्पिटल जाना पड़े। मेरे पास एक प्लान है कि मैं जाऊंगी किशन के दरवाजे को ऐसे खटखटाऊंगी क्योंकि वो सो रहा है, एंड जब भी हमारी लड़ाई होती है ना तो हमारी बात हफ्तों तक नहीं होती है। सोच रही हूँ क्यों ना मैं दरवाजा खटखटाऊंगी, एंड आई स्वेयर गाइस मैं आपसे सच बोल रही हूँ, हमारी सच में भयंकर वाली लड़ाई हुई है एंड हमारी बिल्कुल बात नहीं हो रही है। मैं उसका दरवाजा खटखटाऊंगी एंड वो जैसे ही दरवाजा खोलेगा मैं उसके ऊपर कलर डाल दूंगी। पापा ने भी आया था दरवाजा खटखटाने के लिए फिर भी उसने नहीं खोला। मैं देखती रहूंगी जैसे वो रूम से बाहर निकलेगा तुरंत मैं उसके ऊपर कलर डाल दूंगी। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे नीचे से थोड़ा सा कलर लाना होगा, लेट्स गो, वो उठ ना जाए। सोच रहे हैं उसके दरवाजा खटखटाएंगे, किशन का लड़ाई तो हुआ ही है, जैसे वो खोलेगा तुरंत उसके ऊपर कलर डाल देंगे, पहले वो मुझे दौड़ा के मारे। ठीक है, अरे बाप रे बहुत भयंकर लड़ाई हो जाएगी। तो क्या हुआ मम्मी, होली है तो खेल नहीं सकते हैं क्या? सारे बच्चे खेल रहे हैं, सारे भाई बहन खेल रहे हैं। ये कलर किशन का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके ऊपर कलर डाल देंगे, ट्राई करने में क्या जा रहा है। वो नहीं उठेगा अभी, वही ना सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग की लड़ाई हुई है। ये फेस्टिवल क्या होता है उसमें सारे लोग मिलजुल के रहते हैं ना, पूरा ना मानो होली, वही ना फेस्टिवल में क्या होता है मम्मी, दुश्मन भी एक दूसरे को रंग लगाते हैं ना, तो एक तरह से अभी उन दुश्मन ही है। मैं आपको ऑन कैमरा दिखाऊंगी, पहले वो खोले तो मैंने कलर ले लिया है एंड लेट्स सी वो खोलता है कि नहीं खोलता है। यार मैं खटखटाऊंगी कैसे, बस एक बार वो खोल दे मैं लगा के पक्का फेंक के भाग जाऊंगी। कहीं उसको पता तो नहीं चल गया, यार मैं कब से खटखटा रही हूँ यार, खोल ही नहीं रहा है दरवाज़ा, खोल ही नहीं रहा। मैं कब से उसका दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, 20 मिनट हो गए लेकिन वो खोल ही नहीं रहा। पापा ने भी उसको कॉल लगाया, आई मीन पापा भी मेरा इस प्लानिंग में साथ दे रहे हैं, उसको बोला कि नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, बट वो फिर भी नहीं खोल रहा। आई थिंक उसने फ़ोन कट करके फिर वो सो गया। कुंभकरण का भाई था क्या ये, कलर डालने के बाद उसने मुझे दौड़ाया एंड मेरे ऊपर कलर फेंका। मैंने पूरा वाइट बेडशीट बिछाया है तो फिर इसके ऊपर कलर गिरे, ओ शिट ऑलरेडी गिर गया, कोई ना क्लीन भी हो गया। तो मम्मी बहुत डांटने वाली है, ट्राई करती हूँ मैं। मम्मी झाड़ू लगा रही है, देखो क्या पूरा एकदम निशाने पे लगा, जिसके लिए निकाली थी वो तो उठ ही नहीं रहा है। नहीं, नहीं,
थक गई। लाओ देखो सब भाग रही हैं। बाय। पूरा फ्लोर व्हाइट से पिंक हो चुका है, पूरा साफ करना पड़ेगा। मेरे ऊपर भी कलर लग गया है, पीछे मैंने पूरा साफ कर दिया है। आई थिंक कॉलोनी की आंटी आई है कलर्स लगाने के लिए। मम्मी ने हाँ कराई थी, फिर से उनके मुंह पे लग गया कलर। आ रहे हैं ये लोग, मुझे भी नीचे बुला रही है। अब तो मैं गई काम से। मुझे भी दीजिए थोड़ा सा। हाँ, लो, 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 लो। सारा मिक्स करके लगाएंगे आप। लगाओ दीजिए। चलो अब देखिए ना ये क्या। नहीं दीदी लखनऊ गई है ना। चलो बहुत खुशी बात है, कम से कम बेटियां निकलेंगी तो अच्छा लगेगा। मम्मी नहा कर आई थी, मम्मी आपको दोबारा नहाना पड़ेगा। पापा मम्मी को देखिए, मम्मी का बाल और कलर करवाने से ये देखो कलरफुल हो गया। मम्मी अभी जा रही हैं। आ रहे हैं। हे राम, मेरी पूरी शक्ल लग रहा है ना कि होली है, बस ग्रीन कलर नहीं लगा। मम्मी को तो कोई आइडिया नहीं था, मम्मी ने नहा लिया था, फिर आंटी लोग आए तो उनको पूरा कलर लगा दिया और मुझे भी लगा दिया। एंड और अंकल आए, अब पापा की बारी है। मेरे सर खून है क्या? खून नहीं है, मुझे लगा मेरे नाक में से खून निकल रहा है। मेरा सर फूट गया। शिट यार, मम्मा दर्द हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि बचपन से मेरी एक आदत है ना कि जब भी मुझे कोई चोट लगती है, कितनी भी भयंकर चोट हो और या फिर कोई मुझे हैप्पी न्यूज़ मिलती, सैड न्यूज़ मिलती है, मेरा हमेशा जो इमोशन है वो न्यूट्रल रहता है। आपने ऑन कैमरा देखा होगा जब मैं गिरी थी तो मुझे इतनी जोर की हड्डी पे चोट लगी, इतनी तेज झंझनाहट हुई, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है बट फिर भी मेरे मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली। एक बार बचपन में मुझे याद है वो जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, वो बहुत ही भारी बैटरी थी और वो लाइक इतने ऊपर से मेरे जो पैर का अंगूठा होता ना उस पे गिरा था, लाइक एकदम किनारे पे। आपको पता है जब पैर वैर की उंगली में जब चोट लगती है तो कितना ज्यादा दर्द होता है। आपने वीडियो में भी देखा है कि पापा वहीं जस्ट मतलब नीचे ही थे बट फिर भी मतलब उनको पता ही नहीं चला कि मैं गिरी हूं और मुझे चोट लगी। एंड सीरियसली आपको हड्डी पे जब चोट लगती है वो झंझनाहट होता है ना, मैं आपको आपको पता ही होगा कि कितना तेज दर्द होता है। मेरा ये नेचर है ना कि अगर मेरे सामने सांप भी रहेगा ना फिर भी मैं धीरे से जाऊंगी मम्मी को बोले कि हाँ मम्मी ऊपर सांप है। और कुछ लोग वही है कि अगर सांप को देख लेंगे तो वो चिल्लाने लगेंगे और वो चीख सुनने के बाद सांप डर के भाग जाएगा। मेरी हड्डी तो नहीं टूटी, बहुत भयंकर गिरी हूँ, मेरे सीधा सर पे लगा है। फ्लोर पे अभी लगा था उसकी वजह से स्लिप हो गया मेरा पैर। थी पापा के फ्रेंड आए थे उनको कलर लगाने के लिए, वही दिखाने के लिए मैं जा रही थी, मुझे रोना आ रहा है। अच्छी बात है कि मुझे ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आई है इस वाले एल्बो पे एंड मेरे सर पे। सर तो थोड़ा सा ठीक भी हुआ बट एल्बो में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब अबीर की वजह से मेरा पैर स्लिप हो गया, सर सीधा सीढ़ी से ऐसे लगा। मैंने बोला था ना मेरी चप्पल पे अबीर लगी है उसकी वजह से मेरा पैर फिसला है, आपको पता भी अबीर इतना फिसलता है। आज होली में मैंने इसे ब्लॉग किया, मैं ही बस आई तो आप लोग यही देख लेना, ऐसे ही हमने होली मनाया। मैंने होली के लिए कपड़े भी नहीं लिए थे एंड दो दिन पहले शादी था तब मैंने वो सूट पहना था, तो मैं आज वही पहनने वाली हूँ कि शाम को लोग अबीर लगाने आते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगा। मैंने टॉप पहना हुआ है, ये वाला सूट पहनने वाली हूँ। ये दो दिन पहले शादी थी तब भी मैंने पहना था, आधी देर के लिए नहीं पहना था। मैंने होली की शॉपिंग भी नहीं की थी इसलिए मैंने उतना सोचा भी नहीं। पापा भी गए, पापा के फ्रेंड आए थे तो उनको लेकर गए। सबसे मस्त मम्मी पापा का, मतलब उनकी कॉलोनी की फ्रेंड आ रहे हैं उनको लेकर जा रहे हैं, होली खेल रहा है और मैं घर पे बैठी हूँ। खैर मेरी भी दो कॉलोनी की फ्रेंड्स आई थी, मैंने उनके साथ खेला और मुझे मजा भी आया बट अभी मेरी हालत खराब हो चुकी है। एंड मम्मी को बताते हैं जो मैं गिरी थी। यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे स्वेल कर गया वो गिरने की वजह से, निशान देखो, निशान देखो कितना भयंकर आया है। एक चीज हुआ था मेरे साथ बहुत भयंकर। क्या हुआ था? वीडियो भेजे अपने फोन में, देखिए ग्रुप में। अच्छा, जब आप कलर लगा के गई है ना आंटी लोग के साथ उसके बाद ही हुआ है। अरे दूसरा वाला ये
और ये देखिए यहाँ पे देखिए पूरा रेड हो गया, फूल गया है मेरा। ये कहिए तो वो नहीं लगा, तुरंत मेरे नाक से इतना पानी निकला है ना, मुझे फिर तुरंत मेरे नाक से पानी निकला है तो मुझे लगा खून है। वहीं पे यहीं पे बच रही हूँ आराम से। बहुत भयंकर गिरे हैं, इतना भयंकर कभी नहीं गिरे थे। दिमाग वहाँ पर लग गया होता तो जान पर हम सब निकल गया होता। जान ऐसे मत चला करो पे। अरे एकदम आराम से गए, उससे तेज तो सुबह से दौड़ रही हूँ, पता नहीं आराम से गई हूँ। इस पे देखिए कलर लगा हुआ है ना पूरा अबीर, उसी वजह से फिसल गया है। और पता है बाल धुल रहे थे तो कलर ये रेड वाला टपक रहा था, खून निकल रहा है क्या नाक से। गाइस आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है, होली है कि दिवाली है। मेरा दिवाली है क्योंकि होली में हमें बार बार नहाना पड़ता है। जैसे मम्मी अभी नहा कर गई, भगवान जी को तो लगाना भूली। हमारे यहाँ बना है पुलाव, मटर पनीर, पूरी नहीं बनता है तो मैं रोटी खाऊंगी। वैसे ही मुझे रोटी ज्यादा पसंद है पराठे और पूरी की कंपैरिजन में। मम्मी वो चिकन बनाई वो नहीं दिखाएंगी। मम्मी ने अपने लिए बनाया है कुकड़ू। मम्मी और किशन खाते हैं ज्यादा चिकन और मैं और पापा खाएंगे पनीर। तो ये है हमारा आज का लंच। ड्रेसिंग टेबल की मैं बात कर रही थी ना वो यही है, ये हमने यहाँ पे सेट करवा दिया। आप बताना कैसा लग रहा है। तो मैं सो गई थी एंड मैं जब सो कर उठी तो मेरे राइट वाले इस वाले जिस पे चोट लगी है उस वाले एल्बो पे इतना तेज दर्द हो रहा है। मुझे इतना तो श्योर है कि हड्डी नहीं टूटी है ऑब्वियसली, क्योंकि यार हड्डी टूटी होती है तो मेरी मूवमेंट नहीं होती हाथ की। तो चोट लगी इस वाले हड्डी पे उससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो मैं कल ही जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने। तो मम्मी भी जा रही है आंटी लोगों के साथ ग्रुप बना के।